नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, ना दी जाए रेमडेसिविर, स्टेरॉइड देने से भी बचें। देश कोरोना महामारी से बीते साल से लगातार जूझ रहा है। दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा दिया है, तो वहीं अब तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पूरी तरह से सतर्क हैं। केंद्र सरकार ने अब कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि संक्रमित बच्चों को एंटीवायरल रेमडेसिविर ना दी जाए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि बच्चों को स्टेरॉइड देने से भी बचा जाए। इस गाइडलाइन में बच्चों की शारीरिक क्षमता को देखने के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट लेने की सलाह दी गई। बता दें, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों की बड़ी संख्या में संक्रमित होने की संभावना जताई गई है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि ज्यादा गंभीर मरीजों को ही स्टेरॉइड दी जाए। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बच्चों की उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर उनमें 6 मिनट तक लगातार टहलने को कहा जाए। अगर इस दौरान उनका सेचुरेशन 94 से कम पाया जाता है तो उसमें सांस लेने की तकलीफ देखी जा सकती है। इस आधार पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती किए जाने पर निर्णय लिया जा सकता है। वहीं मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जिन बच्चों को अस्थमा है उन्हें इस टेस्ट की सलाह नहीं दी जाती। गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र किया गया है, अगर किसी मरीज में कोविड की बीमारी गंभीर दिखती है तो ऑक्सीजन थेरेपी को बिना देरी करे शुरू कर देना चाहिए।